बिहार में लोग जल रहे हैं और इन लोगों को पार्टियों की पड़ी हुई है। जिस दिन यहाँ पे घटना घटी उसके अगले दिन मुख्यमंत्री इफ्तार की पार्टी दे रहे हैं। जितना पैसा आप लोग इफ्तार की पार्टी में खर्च करें उसका एक हिस्सा भी आप लोग यहाँ पे दे दीजिए तो इन लोगों का जीवन बेहतर हो जाएगा। भाई मुख्यमंत्री जी आप भी बिहारी हैं, ये लोग भी बिहारी हैं। बस संजोग से इतना कि नसीब से आप मुख्यमंत्री बन गए और ये लोग झोपड़ियों में ही रहे। पर आपका मुख्यमंत्री बनने का अहंकार इन लोगों की बद्दुआ मत लीजिए भाई। अब बताइए ये लोग बैठे एयर कंडीशन कमरे में एसी चला के इफ्तार की पार्टियां मना रहे। भाई कोई भी व्यक्ति ना उसके अंदर थोड़ा सा भी दिल होगा ना दहल जाएगा वो इस हालात को देख के। छोटी सी बच्ची गले आके लगी है, भैया 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 कैसे नहीं किसी का दिल पिघलता है ये सब देख के। और अफसोस की बात यह है कि ये घटना एक ऐसी जगह पे घटी है जहाँ अगल बगल सब माननीय ही है, विधायक हैं, मंत्री हैं, सब हैं, और किसी को ज़रूरी नहीं लगता कि यहाँ पर आकर देखें। 9800 की मदद कर दी इन लोगों को, लग रहा कि सब हो गया इन लोगों का। भगवान ना करे पर अगर इनमें किसी भी माननीय के घर पे कोई ऐसी घटना घटे तो क्या 9800 रुपये में लोग अपना पुनर्वास कर लेंगे? छोटा सा बच्चा जले हुए ग्लास में पानी पी रहा, कुछ नहीं बचा, इन लोगों की पहचान तक नहीं बची इनके पास। और मुख्यमंत्री भाई कितना दूर है इनका महल, एक अनन्य मार्ग, एक मिनट अगर आ जाए, आकर भाई कुछ नहीं भी करें ना, दिलासा देके भी चले जाएं, ऐसी समय पे एक दिलासा भी बहुत होता है, उम्मीद जगती है। उम्मीद टूट रही है इन लोगों की कि हम लोगों का कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं होगा हम लोगों का। और इंसान जब उम्मीद खो देता है ना उसके बाद जिएगा वो कैसे? और जो लोग सत्ता में हैं, जिन जो सक्षम है सब करने का, भाई मैं तो अपनी तरफ से करूँगा ही, पर मैं ना केंद्र सरकार में हूँ ना मैं राज्य सरकार में हूँ, इतना बेबस अपने आप को महसूस कर रहा हूँ आज की तारीख में। पर मुझसे जितना बन पड़ेगा वो तो मैं फिर भी करूँगा, पर मेरे एक यहाँ पे त्रिपाल लगवा देने से, पानी की टंकियाँ ला के यहाँ पे खड़ी कर देने से, 2 शौचालय यहाँ पे करवा देने से, या एक समय 2 समय का खाना यहाँ पे करवा देने से क्या हो जाएगा? इन लोगों का पूरा जीवन इन लोगों का उजड़ गया, पूरी पूंजी इन लोगों की उजड़ गई है। क्यों नहीं सरकार जिम्मेदारी लेती है? और तो और इन लोगों को अपने पहचान पत्र के लिए थाने लोग जा रहे हैं तो थाने वाला बोलता है कि जाओ जाके कोर्ट से एफिडेविट लेके आओ। क्या थाने को नहीं पता कि यहाँ पे कैसी आग लगी है? क्या यहाँ पर आकर निरीक्षण करके सबको प्रमाण पत्र वो यहाँ पे नहीं देके जा सकते हैं क्या? गजब इन लोगों ने हाल बनाया हुआ है। अभी हम लोग राघोपुर से आ रहे हैं, राघोपुर का भी यही हाल है। बिहार में लोग जल रहे हैं और इन लोगों को पार्टियों की पड़ी हुई है। जिस दिन यहाँ पे घटना घटी उसके अगले दिन मुख्यमंत्री इफ्तार की पार्टी दे रहे हैं। जितना पैसा आप लोग इफ्तार की पार्टी पे खर्च कर रहे हैं भाई, और ये तमाम राजनीतिक दलों से मैं बोलूँगा, जितना पैसा आप लोग इफ्तार की पार्टी में खर्च करें उसका एक हिस्सा भी आप लोग यहाँ पे दे दीजिए तो इन लोगों का जीवन बेहतर हो जाएगा। कैसे आप लोगों का दिल मानता है कि आप लोग ये सारी चीज़ें करें और यहाँ पर आके इन लोगों के लिए आप व्यवस्था ना करें? मेरी अगर इन लोगों से मुलाकात होगी मैं ज़रूर इन लोगों के समक्ष इस बात को रखूँगा। पर जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, अहंकार दिखाता है भाई इन लोगों का, सरकार का अहंकार दिखाता है, आना तक ये लोग ज़रूरी नहीं समझते, दिखाता है कि इन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। भाई मुख्यमंत्री जी आप भी बिहारी हैं, ये लोग भी बिहारी हैं। बस संजोग से इतना कि नसीब से आप मुख्यमंत्री बन गए और ये लोग झोपड़ियों में ही रह गए, सिर्फ इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है आप में और इनमें। पर आपका मुख्यमंत्री बनने का अहंकार इन लोगों की बद्दुआ मत लीजिए भाई, बहुत बुरे हालात में लोग जी रहे हैं, मवेशी तक, जानवर जले हुए हैं भाई। हम लोग तो बोल के अपना दुख बता रहे हैं, वो तो बता भी नहीं पा रहे हैं। और बताइए ये लोग बैठे हैं एयर कंडीशन कमरे में एसी चला के इफ्तार की पार्टियां मना रहे हैं। बहरहाल अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा, एसडीएम से ही मेरी बात हुई पुनर्वास की, और पुनर्वास इन लोगों का यही होना चाहिए, ये हम लोगों की भी मांग है भाई। 500 साल से ये लोग रह रहे हैं, ज़मीन का इतना सा टुकड़ा दे देंगे तो सरकार पे कौन सा आसमान टूट जाएगा, कौन सा आसमान इन लोगों के ऊपर टूट जाएगा? हम लोग मांग करते हैं कि यही इन लोगों का 500 सालों से घर रहा है यहीं पर, इनको इंदिरा आवास योजना के तहत हो या जिस भी माध्यम से हो, इन लोगों के घरों का निर्माण करके दिया जाए। मैं अपने माध्यम से भी प्रयास करूंगा, बट जितनी और संस्थाएं हैं, रेडक्रॉस हो, जो भी हो, उनसे मैं भी बात करूंगा और इन लोगों से भी आग्रह करूंगा। कपड़े जल गए हैं, बर्तन जल गए हैं, कुछ नहीं है इन लोगों के पास, कम से कम सामान, कपड़ा लत्ता, उसकी व्यवस्था इन लोगों को करके दी जाए। ये तमाम बातें हम लोग अपनी तरफ से करेंगे, पार्टी के लोग भी निरंतरता में आके जितनी सहूलियत हम लोग की तरफ से दी जा सके वो देने का हम लोग प्रयास करेंगे।
मकान यहाँ पे यहाँ पे झुंकी पति जो है 4 दिन जले हुए थे, लेकिन अभी तक जो है सरकार इस पे एक्शन नहीं लिया है। कुछ हम लोग को जो है सहायता राशि या फिर कुछ सहायता और वार्तालाप कर रहे हैं कि किस तरह से चिराग पासवान जो तस्वीरें हैं वो खास कर रिपब्लिकन में दिखा रहा है। और एक दूसरे देखिए चिराग पासवान कुछ नहीं कैसे अभी हम भिजवाते हैं पानी का प्रबंध।